सुजानपुर टेहरा के मैदान में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम शिल्पी बेक्टा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार परेड का सूक्ष्म रूप देखने को मिला। इस दौरान शिल्पी बेक्टा ने कहा कि इस दिन वर्ष 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिस कारण ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में गणतंत्र दिवस एक त्योहार से कम नहीं है और पूरे देश में जाति पंथ धर्म की परवाह किए बगैर हर देशभक्त ये राष्ट्रीय पर्व मनाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। दिसंबर, जनवरी, 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी का महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी स्वाधीनता संग्राम लड़ रहे थे, जब हम गुलाम राष्ट्र थे, उस समय 1929 के अधिवेशन में जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा था कि हम 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को रावी के किनारे हमारे देश का ध्वज फहराया गया था। वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जैसा नहीं था, लेकिन भारत एक राष्ट्र के सपने को साकार कर रहा था। इसलिए 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाने का सोचा। आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है हर उस व्यक्ति को, हर उस सिपाही को, हर उस पुलिसकर्मी को, सशस्त्र सेना बलों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, जिन्होंने राष्ट्र को अपने से ऊपर सोचा है और माना है। अविनाश जब कह रहे थे कि हम उनका धन्यवाद करते हैं, तो इससे एक शब्द ध्यान में आता है, ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल। ये बहुत बड़ी बात है, वी आर बीइंग ग्रेटफुल टू देम। यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। मैं अपने घरों की ही बात करूंगी। हम में से कितने हैं जब खाने में नमक कम हो, ज्यादा हो, या आपकी पसंद की सब्जी ना बने, तो हम नाक सिकोड़ देते हैं, ये क्या खाना बना दिया है। और आजकल के बच्चे तो कहते हैं हम बाहर से बर्गर या पिज्जा ले आएंगे। प्लीज बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, बी ग्रेटफुल टू योर मदर्स। सबको धुले हुए कपड़े, प्रेस्ड कपड़े मिलते हैं, खाना टाइम पे मिलता है, कोई ऑफिस आ रहा है डब्बा लेकर आ रहा है, वो खाना आपके डब्बे में कैसे पैक हो रहा है, उस पूरी प्रोसेस के लिए प्लीज बी थैंकफुल। अन्नदाता हमारे लिए अन्न उगा रहा है, वो क्यों उगा रहा है? कोई मजबूरी है उसकी? नहीं उगाएगा, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अन्नदाता से लेकर वो अन्न हमारी थाली में डालने वाले तक का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हम ये चीजें भूलने लग जाते हैं कि ये चीजें तो चल ही रही हैं, ये तो हो ही रहा है, ऐसे ही होता है, लेकिन ये चीजें याद करनी जरूरी है। बीइंग ग्रेटफुल, और उसी के साथ दूसरा वर्ड आता है बीइंग रिस्पॉन्सिबल। हमारे स्कूल सिस्टम में हमें बताया जाता है आप इस चीज की त्रुटियां निकालें, अधिकांश समय, अधिकतर, इसमें क्या कमी है आप बताएं। जब हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं तब हमें बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस करें, तब समझ आता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये एनालिसिस करने जरूरी होते हैं हर एक स्थिति के। हम सुजानपुर में हैं इस समय, कार्यकाल मेरा कभी भी यहाँ से समाप्त हो सकता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे लिए सुजानपुर एक स्वॉट एनालिसिस की तरह की है। सुजानपुर की स्ट्रेंथ्स क्या है? हमारा चौगान है, हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं जो सुजानपुर में है। स्ट्रेंथ हमारी यहाँ की जनता है। हमारी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस वो छोटी छोटी कमियां हैं जो हमारी तरफ से रह जाती हैं, कई बार लोगों की तरफ से रह जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है? सुजानपुर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, चाहे आप कहें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से,
चाहे हम कॉटेज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, हमारी थ्रेट्स क्या है? हमारा सबसे बड़ा थ्रेट हमारा आलस्य है। आलस्य को त्याग करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्तरदायित्व की भावना भी जगेगी। अधिकांश जो लोग हैं वो यहाँ पे परेशान होते हैं कि शाम को कुछ लड़के बहुत तेज मोटरबाइक चलाते हैं चौगान के चारों ओर, हम सब शिकायत करते हैं। तो वो एक उदाहरण है कि किस तरह से हम इर्रिस्पॉन्सिबल और थैंकलेस बने। हो सकता है उन्होंने खुद खरीदी हो सकता है उनके माँ बाप ने मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से खरीद के बाइक ली हो, लेकिन जब हम इर्रिस्पॉन्सिबली उस बाइक को ड्राइव करते हैं 110, 120 की स्पीड से, तो रास्ते में एक छोटा सा कंकड़ भी आ जाए उससे भी वो इम्बैलेंस हो सकता है। इम्बैलेंस होगा उस व्यक्ति को तो चोट लगेगी ही, लेकिन यदि कोई रास्ते में चल रहा होगा उसको भी चोट लग सकती है। शायद वो चोट इतनी खतरनाक हो कि व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाए।